शर्मा टॉप ट्रेंड इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। भाई क्या आज सेंचुरी लगाई है, क्या टैलेंट है। और मैं एक बात बताऊं दोस्तों, जो बड़ा प्लेयर होता है ना, जो दलेर प्लेयर होता है, वो उसको जब मौका मिलता है ना तो वो मौका नहीं छोड़ता। तो अभिषेक शर्मा ने साबित कर दिया, पाकिस्तानी मीडिया पर जिस तरह अभिषेक शर्मा की तारीफ हो रही है अनबिलीवेबल है। और ये बात हो रही है कि साइम अयूब को सीखना चाहिए अभिषेक शर्मा से कि कैसे बड़ा प्लेयर बना जाता है। दोस्तों ये सारी बात आपको डिटेल से बताऊंगा। और साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट आज जय शाह ने अनाउंसमेंट की है, रोहित शर्मा को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और WTC के लिए जो है वो कैप्टन बरकरार रखा है, यानी कि WTC 2025 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए रोहित शर्मा ही कैप्टन होंगे। तो दोस्तों इस पर भी ज़रा डिटेल से बात करूंगा, लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह आप लोगों ने भाइयों चैनल से प्यार बढ़ाया है, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि 10K सब्सक्राइबर्स के लिए अब सिर्फ और सिर्फ मुझे 98 सब्सक्राइबर्स चाहिए। तो अगर आप शो देख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। 10K सब्सक्राइबर्स किसी भी यूट्यूबर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बहुत अरसे से मेहनत की, आप लोगों ने जिस तरह सपोर्ट किया लफ्जों में नहीं बयान कर सकता। मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, शो देख रहे हैं भाई तो सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कर दे और बेल नोटिफिकेशन के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करेगा। और कमेंट सेक्शन में राय लाजमी दे, सिर्फ इतना ही लिख दें, सब्सक्राइब फ्रॉम जो भी आपका सिटी है अपने सिटी का नाम लिख दें। एक हौसला अफजाई हो जाती है जब कोई कमेंट करता है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है। अच्छा बात करते हैं सबसे पहले अभिषेक शर्मा की। भाई ये बंदा जिस वक्त IPL में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेल रहा था ना, तो हिस्ट्री क्रिएट कर रहा था। हिस्ट्री इतना क्रिएट कर रहा था कि पहले 6 ओवरों में 90 स्कोर, 80 स्कोर, 10 ओवरों में 120 स्कोर, 130 स्कोर, 165 स्कोर, ये तक इन दोनों ने किए हैं, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। और IPL की बेस्ट ओपनिंग जोड़ी थी, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस प्लेयर पर जो मुझे सिर्फ एक जिस चीज़ का शक था वो ये था कि क्या ये इंटरनेशनल में भी इस तरह खेल सकेगा, सिर्फ ये शक था। आज वो भी शक दूर हो गया। जिस तरह आज अभिषेक शर्मा ने सेंचुरी लगाई है, बता दिया कि इंडिया का यंग टैलेंट कितना स्ट्रांग है। भाई ये इंडिया की यंग टीम है, ये कोई इंडिया की फुल स्ट्रेंथ टीम या ए टीम नहीं है, सी टीम मैं इसको इंडिया की कहूँगा। और जिस तरह आज जिम्बाब्वे को शिकस्त दी है, बता दिया दुनिया को कि हमारे पास कितना टैलेंट है और हम कैसे टैलेंट को तैयार करते हैं, ये भी चीज़ बता दी। अगर इंडिया चाहता तो जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम भी भेज सकता था और सारे मैचेस जीत कर आ जाता, लेकिन इंडिया ने ये नहीं कहा, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे लेकिन सीखेंगे। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कब तक जो है वो अपने बड़े प्लेयर्स को भेजते रहना है, ये पाकिस्तान को सीखना चाहिए। साइम अयूब को सीखना चाहिए अभिषेक शर्मा से कि जैसे आज अभिषेक शर्मा ने पूरी दुनिया के अखबारों में अपनी हेडलाइंस बनाई है सेंचुरी करके, साइम अयूब को कितना मौका मिला है। आप क्यों नहीं डिलीवर कर सके, PSL में तो आप भी बड़े रन्स करते थे, आपको जब मौका मिला, बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, तो आप क्यों नहीं परफॉर्म कर सके। हमेशा जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो कभी आप अपॉर्चुनिटी को जाया ना करो। बड़ा प्लेयर वही होता है जिसको मौका मिले और वो उसको ग्रैब कर ले। अभिषेक शर्मा ने आज जो सेंचुरी लगाई है, अब प्रेशर डला या नहीं डला? अब इंडिया के पास आप सिर्फ टैलेंट देखें कि यशस्वी जायसवाल उनके पास बैठा हुआ है और अभिषेक शर्मा तैयार हो गया। ये है इंडिया का यंग टैलेंट। विराट, सचिन तेंदुलकर गए, विराट कोहली तैयार थे, अब विराट कोहली जा रहे हैं तो लिख लें मेरी बात दोस्तों, शुभमन गिल इंडिया का एक नया राइजिंग स्टार सुपर स्टार बनने जा रहा है। वो तैयार करते हैं प्लेयर्स को कि कैसे हमने बड़े प्लेयर बनाना, और बैकअप तैयार होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है इंडियन क्रिकेट की, और सीखना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट को। मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा। बाकी दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है वो सिंपल यही है कि जय शाह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कर रहे हैं सबको, इस लिहाज से कन्फ्यूज कर रहे हैं। एक तरफ रोहित शर्मा को उन्होंने कैप्टन बना दिया है और वो ये कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी हम जीतेंगे, WTC भी जीतेंगे, इसका मतलब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा तो चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, अभी तक जो अभी तक इतलात है वो यही है कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान के पास राइट है। तो अब क्या चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होगी, हाइब्रिड मॉडल पर होगी, या इंडिया पाकिस्तान आएगा? ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर अभी किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन जो सबसे बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट है वो यही है कि इसी महीने ICC की मीटिंग है जुलाई में श्रीलंका में, जहां पर इंडिया भी पाकिस्तान भी सारे जो बड़े चेयरमैन है वो जाएंगे।
तो वहीं पर ही फैसला होगा इंडिया और पाकिस्तान का कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट होगी या फिर इंडिया पाकिस्तान आएगा या हाइब्रिड मॉडल होगा, जो भी होगा। मोहसिन नकवी भी वहाँ पर होंगे, जय शाह भी होंगे, तो वहीं पर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुद्दा रखेगा और वहीं पर ही जो है चीज़ें डिसाइड होंगी। तो ये महीना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। और जहाँ तक मुझे जय शाह के एम्बिशंस लग रहे हैं, मुझे तो भाई ऐसी फीलिंग आ रही है कि जय शाह ने प्लान बना लिया है कि हमने पाकिस्तान आना है। और जैसे जय शाह ने कहा कि हमने कहा था कि इंडिया में जिस टाइम हम वर्ल्ड कप फाइनल हारे थे तो हमने कहा था हम 2024 में झंडा गाड़ेंगे, तो मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि जय शाह और रोहित शर्मा ने एक नया प्लान तैयार कर लिया है कि पाकिस्तान में लाहौर में हमने भारत का झंडा गाड़ना है। ये मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत बात है कि जय शाह के जो एम्बिशंस हैं वो ये लग रहे हैं कि पूरी इंडियन कौम को अगर हमने तोहफा देना है तो इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता कि हम भारत में पाकिस्तान में आके भारत का झंडा गाड़े और जीते चैंपियंस ट्रॉफी। और इंडिया की जिस तरह की टीम है इस वक्त हॉट फेवरेट अगर कोई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए है तो वो टीम इंडिया है और रोहित शर्मा उसके कप्तान है। इस वक्त द ग्रेटेस्ट कैप्टन अगर कोई बात हो रही है तो मैं तो दुनिया के क्रिकेट में इस वक्त यहाँ तो रोहित शर्मा या पैट कमिंस, इन दोनों के अलावा किसी और को कैप्टन मानता ही नहीं हूँ इस वक्त। दुनिया के क्रिकेट के बेस्ट कैप्टन यही दोनों हैं। तो देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता। दोस्तों सारा मामला आपको बता दिया चैंपियंस ट्रॉफी का भी, और अभिषेक शर्मा व्हाट अ टैलेंट भाई, आउटस्टैंडिंग टैलेंट है और पाकिस्तान के इन प्लेयर्स को सीखना चाहिए अभिषेक शर्मा से और पीसीबी को भी सीखना चाहिए कि जब छोटी टीम्स हो तो हम अपने यंग प्लेयर्स को भेजें। बेशक आप हार जाओ लेकिन आपके प्लेयर्स सीखेंगे, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। शो अच्छा लगा हो भाइयों वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, और जिस तरह आप लोगों ने चैनल से प्यार बढ़ाया बस इसी तरह अपना प्यार बढ़ाते रहें और सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी लाजमी क्लिक करें। अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।